मैं रोहित का फोन ट्राई करती हूँ। मॉम काम डाउन। नो कब तक कॉल रोहित? शंकर आसपास की हॉस्पिटल पता है ना तुमको? फिर जल्दी सीधे हॉस्पिटल लेके जाना होगा, अगर हालत ठीक नहीं है। दीदी 15 से 20 किलोमीटर दूर चलते हो दीदी। इना, इना, प्लीज कब तक फोन करोगी? उसको फोन करना बंद करो। फोन नहीं उठा रहा ना तो थोड़ी देर पर ट्राई करेंगे। फोन बज रहा है, उठाएगा नरेन। 1:30 बजे मॉम, मॉम प्लीज काम डाउन। हो सकता है कि फोन साइलेंट पे हो इसलिए भाई फोन ना उठा रहा हूँ। और वैसे भी वो पुणे गया है, पुणे में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आई एम श्योर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, सो प्लीज काम डाउन। क्या काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन? कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा भी था उसे अभी मत जा, सुबह जाना। नहीं, लेकिन नहीं सुना। सिद्धि कहीं का अब कहां से ढूंढेगा इतनी रात को उसे? किसे ढूंढने गया है भाभी? भाभी रोहित किसे ढूंढने गया है पुणे? अरे भैया आप जानते हैं कि पुणे किसे ढूंढने गया है रोहित? वीना अब तो बता दो, रोहित पुणे क्यों गया? मुझे रोहित को फोन करना है। वीना रोहित मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुमको? रोहित, रोहित क्या हुआ, क्या हो गया, ये सब कैसे हुआ? रोहित उसको बुखार है बहुत तेज। हाँ ओके ओके, हाँ हाँ रोहित। शंकर कहाँ पहुंचे हम, कितनी देर लगेगी, जल्दी लेके चलो ना। बस 15 से 20 मिनट दीदी। हाँ जल्दी, बस बस बस। रोहित 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 बहुत बुखार बढ़ रहा है शंकर, जल्दी लेके चलो। शंकर जाओ जल्दी से स्ट्रेचर लेके आओ, और जो भी वॉर्मर्स होंगे साथ में एक दो लेके आना, जल्दी जाओ। रोहित रोहित आगे खोलो, बस डॉक्टर्स आते ही होंगे। रोहित रोहित आगे खोलो। हाँ हाँ बस हम आ गए। ओके दीदी, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है मतलब? दीदी कंपाउंडर ने डॉक्टर को फोन किया था तो डॉक्टर बोला 2 से 3 घंटा लग जाएगा आने में। मजाक है क्या, पेशेंट की लाइफ, मैं बात करती हूँ तुम इधर आओ, पकड़ो इन्हें। दीदी इससे पहले मैं आपको मुंबई पहुँचा दूंगा। तुम कुछ भी करो बस जल्दी इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। जी दीदी। हाँ क्या हुआ रोहित? रोहित रोहित प्लीज मुझे बताओ, मुझसे बात करो, क्या हुआ, ये सब चोट कैसे लगी तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, मैं हूँ ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। माता रानी तुम्हारी बात सुनती, मेरी नहीं सुनती। नाराज है शायद कुछ सालों से, तुम बात करोगी, आज बहुत जरूरत है। शंकर, शंकर इसका फीवर बहुत बढ़ रहा है, इसे ऑफ करो जल्दी से। जी दीदी। मेडिकल बॉक्स का है? नहीं दीदी मेडिकल बॉक्स तो हम लोग है ही नहीं। मेरा पर्स, हाँ ओके यही है, मैं लेती हूँ, मैं लेती हूँ। पानी की बोतल मुझे बताओ, मैं लेती हूँ, तुम ड्राइव करो। दीदी पानी की बोतल तो हम लोग वहीं पर भूल गए थे जल्दी जल्दी में। ओके ठीक है, तुम जल्दी चलाओ बस। बस 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 रोहित। ये तो लॉक है, इसका लॉक कोड
शंकर आराम से, कैसे चला रहे हो? चोट लगी है ना? फोन शंकर, अरे क्या कर रहे हो? वीना बताओ प्लीज कि रोहित पुणे क्यों गया है? देखो देखो, अगर तुम नहीं बताओगी तो हम सबको कैसे पता चलेगा रोहित कहाँ गया? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो जहाँ भी है वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठूंगी नरेन, मैं उसके पास पुनः जाऊंगी और अभी जाऊंगी। मीना मॉम प्लीज। कौन है, रोहित है क्या? माक्षी देखो, तुम दोनों को अगर वाकई मेरी हेल्प करनी है ना तो चलो मेरे साथ पुनः। मॉम आप समझो, मैं एक मिनट, ठीक है हम लोग आपके साथ चलते हैं, लेकिन सोनाक्षी रस्तोगी इतनी रात में बार बार क्यों फोन कर रही? मैं मुझे दो एक बार, मुझे दो। हेलो हाँ आंटी, मीना आंटी मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। हाँ सोनाक्षी, रोहित मेरे साथ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। What? हेलो हेलो आंटी, ये चोट लगी है, बेहोशी की हालत में और बहुत तेज बुखार भी हो रहा है। कहाँ है उसे? सोनाक्षी तुम प्लीज मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर हो, कोई लोकेशन कुछ? मैं मुंबई आ रही हूँ, पुणे से इसे वापस लेके मुंबई आ रही हूँ। हेलो 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 लोकेशन हेलो ओह नो, चार्जर है ना, इसे जल्दी से चार्ज पे लगाओ। दीदी चार्जर वायर तो परी दीदी ने निकाल लिया था, वो गाड़ी में रखना भूल गए दीदी। तुम्हारा फोन दो जल्दी। जी दीदी। नहीं बट मुझे बीना आंटी का नंबर याद थोड़ी है जो मैं फोन करूंगी। तुम छोड़ो, तुम जल्दी चलाओ। अरे सोनाक्षी कह रही थी कि रोहित को बुखार है, उसे चोट लगी है, वो बेहोश भी है नरेन। वीना कम से कम ये तो पता चल गया कि रोहित अकेला नहीं है, सोनाक्षी उसके साथ है। प्रतीक आई एम सॉरी, मैंने तेरे को इतनी रात को फोन किया यार। एक्चुअली रोहित मिसिंग है, वो एक्ट्रेस सोनाक्षी रस्तोगी है उसका फोन आया था, रोहित उसके साथ है। नहीं लोकेशन ही तो नहीं पता यार, तू वहाँ का MLA है, प्लीज हेल्प अस। कोई कुछ तो करो, कोई तो सोनाक्षी को फोन करो, पता तो करो कि हुआ क्या है। हेलो हाय प्रणीति, हाउ आर यू? प्रणीति आई एम रियली वेरी सॉरी मैं इतनी रात को तुम्हें फोन कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सोनाक्षी कहाँ पर है पुणे में? पुणे? दी पुणे में क्यों होंगी, दी का नाइट शिफ्ट है, वो अपने सेट पर है। प्रणीति तुम क्या बात कर रही हो, सोनाक्षी पुणे में है, इनफैक्ट पुणे में रोहित के साथ है। दी पुणे में डॉक्टर रोहित के साथ है? हाँ। तुम्हें कैसे पता? प्रणीति अभी अभी सोनाक्षी का फोन आया था और उसने कहा कि वो पुणे में है, तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ आइडिया होगा। अच्छा ठीक है, लेट मी चेक, मैं कोशिश करती हूँ जानने की, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ प्लीज, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सब बहुत वरीड है, सो प्लीज लेट मी नो, थैंक्स। समझ में नहीं आ रहा ये सोना हमसे झूठ क्यों बोल रही है, रोहित सिप्पी के साथ पुणे में क्यों? एक्शन। हेलो कुणाल का कुछ पता चला? कैसा है वो, कहाँ पर है वो, ढूंढो उसे। अरे अरे आप सुनिए तो, कुणाल और पार्वती का पता लग भी जाए तो मैं उन्हें बर्बाद करके रहूंगी। कट, बहुत अच्छा शॉट, चलो नेक्स्ट सीन लगाओ। भूषण चिप दे दो दादा, भूषण जल्दी से चिप लेके एडिट पर जा और ये वाला सीन आज के एपिसोड में ऐड करवा देना और चैनल भेज देना, जल्दी जाओ, गो रन। सोना, हेलो सोना किधर है? मुझे पता नहीं, उनसे पूछो। कहाँ है सोना? और आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, कितने फोन कर रही हूँ मैं आपको, बताइए किधर है वो?
सुमन जी वो हाँ बोलिए कहाँ है? सुमन जी वो फिल्म सिटी गई है दूसरे सीक्वेंस के लिए शूट करने। अब झूठ मत बोलिए, मुझे पता है कि आपने सोना को पुणे भेजा है, क्यों भेजा आपने बताइए मुझे। मम्मी तू चुप कर, बात कर रही हूँ ना मैं उनके साथ, बीच में मत बोल। क्या बात करनी है? और आप जरा धीरे बोलिए, अभी अभी आपकी सर्जरी हुई है। सुमन जी आप मेरी हीरोइन की माँ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ सुनूंगी और सब कुछ बर्दाश्त करूंगी। हाँ सोनाक्षी पुणे गई है, लेकिन वो क्यों गई है और कब वापस लौटेगी ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। सुमन जी बच्चे अगर अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं तो इसमें माँ बाप की गलती है, और ये मेरी शूटिंग का सेट है, यहाँ हम काम करते हैं और बहुत सारा काम बाकी है, तो प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए। सुमन जी सिक्योरिटी को बुलाने पर मजबूर मत कीजिए मुझे प्लीज।